चले चलते हैं आप छीरापट पर और दिखाते हैं आपको वहाँ का पिकनिक स्पॉट कैसा है। और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। और मेरे साथ में आए हैं कामता प्रसाद और हैं साथ में शिवम रौतेल। हाय बोलो। हाय। तो चले चलते हैं आगे दिखाते हैं, अपने तिराहा पे मुड़ जाएंगे। यहाँ से चला जाएगा राजेंद्रम किरण घाट, आगे अमरकंटक की रोड, और ये है अनूपपुर चले जाना इसी रोड पे, और यहीं पास तिराहे से अपन निकल जाएंगे ये छीरापट पर। कई अनसुने बातें हैं छीरापट पर की, तो जो आपको हम बताएंगे आगे कि क्या होता है यहाँ, पिकनिक मना के लोग आते हैं, होता क्या है उनके साथ। एक्चुअली में कुछ लोग जो हैं एक्सपीरियंस वाले वहाँ के, जो आपका अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि यहाँ आए कि नहीं आए। तो चलिए चलते हैं छीरापट पर। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए तो देख लिया आप कपल है। ये हमार पहुंच गया छीरापट पर, ये है पुल जहां अपन गाड़ी पार्क करेंगे और इधर भी घुस जाएंगे। ये बड़ा सा पेड़ है, कुछ बंदर अंदर हैं, गाड़ी को आगे ले चलते हैं, कहां यहां छोड़ेंगे है ना। ये देखिए बंदर दिखाया, कुछ डांस करते हुए बंदर। ये देखिए एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम मैं आपको लेके आया हूँ छीरापट पर, जो अनूपपुर से मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है, और वही रोड आपको लेके जाएगा शहडोल, अमरकंटक, राजेंद्रम, और दूसरा रोड आपको लेके चले जाएगा शहडोल। तो छीरापट लोकेशन है इसको आपको हम बताएंगे, और यहाँ की कुछ गलत फहमियाँ हैं, ये कुछ डरावना सच है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। आपको बता दूँ ये पुल है, ये जो पुल है अपन उधर से चले आएंगे अनूपपुर से, जो तिराहा पड़ता है आगे से वहाँ से चले आएंगे, तो यहाँ अपन गाड़ी रोक देंगे और यहाँ से आगे हम दूसरा कोई गांव पड़ता है वहाँ नहीं जाएंगे, पुल पे रोक देंगे। पुल से लेफ्ट साइड की ओर यहाँ आप देख सकते हैं, ये पिकनिक स्पॉट है, पूरा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ अपन लोग फैमिली विथ फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड नहीं बोलूँगा क्योंकि जंगल का एरिया है, इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं बोलूँगा, फैमिली विथ फ्रेंड के साथ आ सकते हैं। और कुछ अनकही घटनाएं हैं, मैं उसको आपको बारे में आपको बताऊंगा कि क्या सच है क्या गलत है। तो चले चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि छीरापट पर क्या है, कैसा है। और यहाँ छीरापट पर बार बार आपको बोल रहा हूँ, छीरापट पर लेके आया हूँ, और साथ में अगर आप कुछ इंजॉय करने के हिसाब से आए हैं, यहाँ एक चट्टान है देख सकते हैं, आप बैठ के फुल इंजॉय कर सकते हैं, बगल में पानी है, आप बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, रुक सकते हैं, टेंट लगा सकते हैं। और एक विशेषता, यहाँ आने पर आप इस जगह का गलत उपयोग ना करें दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलूँगा, मैं ये बात सच्चाई क्या है आपको बाद में बताऊँगा क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ आने के बाद एंजॉय करें और कंट्रोल में रहें, मैं एक बात बोलूँ कंट्रोल में रहें, क्या है इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ आप आए पिकनिक में, तो यहाँ बनाएं खाएं एंजॉय करें दोस्तों के साथ खाएं, और ये चट्टानें अच्छी अच्छी हैं। मेरे दोस्तों आप जब भी आए छीरापट पर पे, तो शराब उराब का नशा ना करिए, शराब का नशा करिए तो स्थायी रूप से जब उसका वो नशा उतर जाए तब अपने घर की ओर जाने के लिए प्रस्ताव करें, अन्यथा शराब पी कर रास्ते पर ना चलिए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही लंबी उम्र का मिला है, अमूल्य है हम लोगों के लिए, भगवान ने हमको भेजा, बहुत खुश हैं हम, अब आपको भी खुश रखे भगवान। और बताओ दोस्तों, गर्मी
गर्मी का टाइम है जहाँ पूरी नदियाँ सूख जाती हैं, वीरान हो जाती हैं, वहीं छीरापट पर भी जो हम जगह पे आए हैं वहाँ आप पानी देख सकते हैं एकदम बह रहा है। गर्मी में ऐसा लगता नहीं कि पानी सूख गया है। इसी बीच कुछ जानवरों का खतरा है, जैसे भालू हो गया, शेर हो गया, यहाँ पास खतरा बढ़ रहता है क्योंकि महुआ का भी टाइम है, महुआ चारों तरफ गिरता है। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा सबसे कि इस टाइम पे कम से कम आए, ठंडी में आए, और बरसात में तो कोई मतलब नहीं है, बरसात हो गया, हल्का गर्मी हो गया, कुछ पहले आ जाए कुछ बाद में आ जाए, लेकिन दोपहर के टाइम पे ना आए। और वो जगह है जहाँ अपन पिकनिक के लिए आते हैं, तो अपने स्नान करते हैं, एंजॉय करते हैं। देख सकते हैं पानी किस तरह से भरा है दोस्तों, एकदम शुद्ध पानी दिख रहा है और अच्छा ठंडा भी पानी होगा। आपको मैं जब से बताता हूँ पानी कितना ठंडा है। दोस्तों मैं बताऊँ पानी एकदम ठंडा है, क्या आके देखिए कर लो यहाँ दोस्तों, बताओ दोस्तों छीरापट के पटपट के बारे में जो आपको बताना चाहता था। यहाँ मेरा दूसरा तीसरा लगभग चौथा मान लीजिए चौथा एक्सपीरियंस छीरापट के पिकनिक मारने का। यहाँ से पीने खाने के बाद छीरापट पर भी आए, इंजॉय किए दोस्तों के साथ, चार आए 10-15 लोग आए और इंजॉय किए, ये खाए बढ़िया है ना, इंजॉय किए और घर जाए। जैसे आप यहाँ से निकलेंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ छीरापट पर से, तो यहाँ से देवहरा या धिराउल के आसपास आप कहीं ना कहीं जरूर गिर जाएंगे। तो इस बात को मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी, यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं जो बर्दाश्त नहीं करती हैं कि आप यहाँ के पिए खाएं, इंजॉय कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो बहुत संभल कर जाएँ दोस्तों। जहाँ तक यहाँ की बॉर्डर की बात है तो बॉर्डर कम से कम आराम से निकल जाएँ, इसके बाद आप स्पीड चलाएँ, धीम चलाएँ, वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ से पीने खाने के बाद बहुत स्लोली जाएं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है और मेरे साथ जो आए हैं शिवम आया है और कामता आया है, इनका कहना यही है कि यहाँ से जो गया है पिकनिक मनाने के बाद वो जाके कुछ दूर में जरूर गिरा है, और गिर रहा है ऐसा है कि हाथ में, पैर में, चेहरे में, गाड़ी का नुकसान हुआ ही हुआ है, निश्चित हुआ है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ जो अदृश्य शक्तियाँ नहीं दिखती हैं उसका विशेष ख्याल रखें, और कुछ छीरापट पर पिकनिक स्पॉट जरूर है लेकिन कुछ डरावना सच भी है यहाँ का, तो इस बात पर जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पिए खाएं, दारू पिएं, कुछ भी करें लेकिन आराम से, मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ से स्लोली जाएं। और इसके अलावा आपका कहूँ दोस्तों, आप यहाँ आएँ और मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। और आपके घर के, आपके शहर के, आपके मोहल्ले के आसपास कोई पिकनिक स्पॉट, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए उस जगह का लेके आऊँगा वीडियो और रिव्यू। और आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।